तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, विच इज एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। किसका? मैट्रिक्स का। तो सबसे पहली बात कि कंडीशन क्या है, व्हाट है, मतलब अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो मेक श्योर वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर ए है हमारा 3x4 प्लस बी है 4x3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसके पॉसिबल है? कंडीशन क्या है उसकी? कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, कंपलसरी ऑर्डर सेम होने चाहिए। ओके, चलो ये तो पता चल गया कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब कैसे होने चाहिए? फॉर एन एग्जांपल, मतलब कैसे एडिशन करेंगे। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं कि 1 2 3 4 प्लस 0 -1 5 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। चलो इसका एडिशन करना है तो सेम, सबसे पहले तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2। ठीक है, ये दूसरा कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा? 2x2। सिंपल, जो मैट्रिक्स, जो दोनों मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं वो दोनों के ऑर्डर सेम है और हमें जो आंसर मिलेगा वो भी वही मैट्रिक्स होगा। उसके बाद कैसे एडिशन करना है? तो रिस्पेक्टिवली एलिमेंट क्या एडिशन करना है, मतलब A11 एलिमेंट का एडिशन विथ A11 और उसका आंसर भी A11 में ही पुट करना है हमें। तो A11 1+0 मतलब 1, सिंपल। 2 -1 1, जैसे हमने एडिशन ही किया लेकिन ये माइनस है तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 1। 3+5 8 एंड 4+2 6। ठीक है, क्या समझा हमने? कि पहले तो दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद कैसे होगा? A11 का A11 के साथ एडिशन और उसका आंसर भी A11 में ही आना चाहिए। दूसरा कोई एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 5 -8 9 2 और माइनस करना है -1 2 4 एंड 5। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए? सिंपल, पहले तो देख लो दोनों सेम मैट्रिक्स है, हाँ उन दोनों को ऑर्डर सेम है, उन दोनों का माइनस करना है तो चलो 5 -1 ऐसा ही होगा ना। 5 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 5+1 मतलब 6 A11 की जगह पे। वंस मोर, -8 -2 A12 का A12 के साथ माइनस करना है, -8 -2 मतलब -10 आंसर। 9 -4 5 2 -5 -10 आंसर। ठीक है, एकदम इजी है ये। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन वाला खत्म कर दिया। उसके बाद नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ए है हमारे पास 1 -2 0 -3 5 -4, ऐसा कुछ है। उसका नेगेशन मतलब माइनस ए लिखना है। ठीक है, माइनस ए तो क्या करेंगे बेटा, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो ए मैट्रिक्स है सबको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, तो -1 -2 जीरो की कोई साइन नहीं होती है, -3 -5 -+4 दैट्स द आंसर। ठीक है, तो एडिशन कैसे करना है? जैसे हम सिंपली करते थे वैसे ही, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, दोनों को ऑर्डर सेम होने चाहिए और जो रिस्पेक्टिवली हम एडिशन कर रहे हैं उसका आंसर वही आना चाहिए, माइनस में भी एज इट इज। उसके बाद नेगेशन हमने देखा, तो
ऐसे सिर्फ उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका नेगेशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट विथ स्केलर क्वांटिटी, प्रोडक्ट विथ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ए है, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं के ए, ऐसा लिखा है। के मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी है, के ए का मतलब ये के एज इट इज। चलो ए क्या है हमारे पास, 1 -2 0 -3 5 -4। उसका मतलब ऐसा हुआ कि हमें ये जितने भी एलिमेंट है सबको के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऐसे के -2 के, 0 -3 के, 5 के एंड -4 के, तैसा आंसर। ठीक है, दूसरा कोई अच्छा वाला एग्जांपल लो। तो ऐसा है कि सपोज कोई बी है 2 -4 6 एंड 8, ठीक है, उसका आंसर लिखना है मुझे। इसमें से आपको लिखना है 2b। 2b का मतलब क्या है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -8 6 2 12 8 2 16, तैसा आंसर। ठीक है, ये बात कही हमने 2 मल्टीप्लाई करने की। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1/2 b करो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली मैं उसको ऐसे भी बोल सकता था कि 2 से डिवाइड करो, लेकिन 2 से डिवाइड करो हम एडिशन को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे डिवाइड किया उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करने का, सबको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। 1/2 1/2 1 -2 3 एंड 4, पता चला क्या किया हमने, सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 2 1, -4 × 2 -2 6 × 2 3 8 upon 2, मतलब × 1/2 तो 4, दैट्स आंसर। आप इसको अल्टीमेटली ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल दिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कॉमन 2, ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये अल्टीमेट मेथड वाइज यही होगा कैसे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये बात हुई एडिशन सब्ट्रैक्शन की। उसमें कुछ पॉइंट पॉइंट मतलब ये आपको पता है कि फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर a+b करो या b+c करो तो वो दोनों सेम ही होते, सॉरी b+a करो तो वो दोनों सेम ही हो गए। वंस मोर, अगर a+b करो या b+a करो, एडिशन की सिर्फ बात है, एडिशन की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेंगे। ओके, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, 1+b+c इन ब्रैकेट करो या फिर a+b+c करो तो वो दोनों सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। नंबर 3, जैसे एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब, आइडेंटिटी मतलब वो मैट्रिक्स वही का वही रहेगा। तो एडिशन में वो होता है 0, मतलब आप किसी का भी 0 मैट्रिक्स के साथ, 0 मैट्रिक्स मतलब कुछ भी, अगर 2 × 2 है तो सभी जगह पे 0 0 0 आएगा, अगर 3 × 3 है तो सभी जगह पे 0 0 0 0 आएगा। 0 मैट्रिक्स मतलब उसके सारे एलिमेंट 0 0 हो गए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के साथ उसका एडिशन करोगे सेम एज कि अगर ये जो भी मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स ओ होगा, तो उन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर ए ही रहेगा। बस इतनी बात आपको समझनी थी। वंस मोर, एडिशन जितना हम सिंपल करते थे वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन क्या ध्यान रखने का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जिन एलिमेंट का आप एडिशन कर रहे हो वही आंसर उसको पुट करना है, ठीक है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। सेम मैंने माइनस का बताया, उसके बाद नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेगेटिव कैसे करेंगे, माइनस कर दो, जितने भी एलिमेंट है सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वैसे अगर कोई आपको बोले कि माइनस कॉमन निकाल दो तो वो सही चाहे, वही सेम चीज हुई। उसके बाद है प्रोडक्ट विथ स्केलर क्वांटिटी, तो
तो के से मल्टीप्लाई किया तो जितने भी एलिमेंट है सबको के से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मैंने एग्जांपल भी लिया है कि टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई किया। नीचे और एक एग्जांपल लिया जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं टू कॉमन निकाल दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो होता क्या है, वन हाफ से मल्टीप्लाई। तो ये सेम क्वालिटी हुई है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, चलो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में हमें ध्यान क्या रखना है, मतलब जैसे एडिशन में कंडीशन थी तो इसमें भी कुछ कंडीशन होगी। तो पहली बात कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, लेकिन पहले ऐसे लिख देते हैं, ए बी पॉसिबल कब होगा, ए इंटू बी पॉसिबल कब होगा, सपोज ए है एम क्रॉस एन, ठीक है, कोई बी है एन क्रॉस पी, ठीक है, तो उन दोनों का एडिशन होगा ए इंटू बी, कोई मैट्रिक्स आएगा। ये बेटा ये कंडीशन सिर्फ समझने के, लेकिन मतलब अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो यही प्रॉब्लम होगा, आप समझो मेरी बात, और किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यही प्रॉब्लम होगा कि आप समझो ये बात कि एडिशन कब हो सकता है, क्या उसकी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन मैंने पहले आपको बोला था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है तो ये है उसकी रो, ये है कॉलम, बी मैट्रिक्स का ये है रो, ये है कॉलम। तो अगर मैं वर्ड में बोलू तो ऐसा बोलू कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ऐसा बोल सकता हूं। अल्टीमेटली एन इज इक्वल टू एन होना चाहिए, ये पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम होना चाहिए, ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है, आपको जैसे समझ आए आप समझो, सिंपल सा, पहले का दूसरा दूसरे का पहला सेम होना चाहिए, ठीक है। वंस मोर, और मैं लैंग्वेज में अगर बोलूं तो ऐसा है कि फर्स्ट की कॉलम और सेकंड का रो सेम होना चाहिए। ओके, सेम होने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड, वो आंसर, दैट मींस इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी। वंस मोर क्या बोला मैं, अगर कोई दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, फर्स्ट का सेकंड देखो, सेकंड का फर्स्ट देखो, अगर वो दोनों सेम है तो यस उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, अगर पॉसिबल है तो प्रोडक्ट हो सकता है, तो प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर भी हमें पता चल जाएगा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, एम क्रॉस बी, ये आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि इफ ए हैज 3x4 एंड बी 4x3 देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। अब फाइंड द ऑर्डर बोला है तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि 4x4 3x3 3x4 एंड नॉट पॉसिबल, ऐसा मैंने इक्वेशन ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा चेक करना है कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम होना चाहिए, सेम है बेटा, हाँ सेम है, अगर सेम है तो उसका प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब नॉट पॉसिबल नहीं आएगा, प्रोडक्ट हो सकता है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 3x3 पहले का पहला दूसरे का दूसरा 3x3, तो उसका आंसर आना चाहिए 3x3 20 था आंसर, आए समझ में। ऐसा कुछ भी हार्ड क्वेश्चन बना सकते कैसे, ऐसे बड़ा बड़ा आप डर जाओगे, ऐसे 19x2 200, तो सिंपल कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले तो बेटा चेक करो सेम है, हाँ सेम है तो हो सकता है, पर आंसर क्या आएगा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, खत्म हो गया, ठीक है। ये पहले तो ये समझना है कि उसकी कंडीशन क्या है
और कंडीशन के हिसाब से उसका आंसर क्या आ सकता है, पहले तो ये समझना, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, अगर है तो पॉसिबल है। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर में ऑर्डर क्या आएगा, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, एम क्रॉस बी, ऐसा आता रहेगा। क्लियर है इतना? ओके। अब इसमें कुछ मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन देख लेते हैं। ए बी करो और बी ए करो, ए बी करो एंड बी ए करो, तो वो दोनों सेम नहीं आते, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी एंड बी क्रॉस ए, वो दोनों आंसर सेम नहीं आते, ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। ये आपको काफी बार हमें, हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें पता चलेगा, काफी टाइम पे आपको बोलेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, प्रूव करो, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू में भी आएगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू ब्लैक, ए बी सी डी, तो डायरेक्टली आप बी ए लिख सकते हो। लेकिन इसमें ये सक्सेसफुल है, इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव लॉ सक्सेसफुल है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ए पहले तो बी सी का प्रोडक्ट कर लो, फिर ए का प्रोडक्ट बी सी के साथ करो उसका आंसर, और पहले ए बी का प्रोडक्ट करो और वो जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट करो सी के साथ, तो उसका आंसर, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ गई। ओके। अब जैसे उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट था, वैसे एडिशन में बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, क्यों? क्योंकि उसमें आप कुछ भी ऐड करोगे तो आंसर क्या रहेगा, सेम टू सेम। वैसे प्रोडक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है, जिसके साथ आप वो प्रोसेस करो और आंसर वही का वही रहे, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, आप उसका आंसर वन से करोगे, ठीक है, उसका आंसर वन से करोगे तो उसका आंसर एज इट इज रहेगा। लेकिन इसमें वन क्या है, आई, आई क्या था याद करो बेटा, आई क्या है, आई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आई है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 01, या फिर तीन भी हो सकता है, 100, 010 एंड 00, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ए इंटू आई और आई इंटू ए करो, उसका आंसर ए ही रहेगा, ये लो आइडेंटिटी में मतलब सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी के अलावा कोई भी दो मैट्रिक्स आए तो इसमें ये सही है, ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है? पहले तो ऊपर वाला कंसेप्ट, उसके रिगार्डिंग मैंने एक दो क्वेश्चन किए जिससे आपको पता चले कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कब वो पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल होता है तो उसके बाद उसको ऑर्डर क्या होगा। ये चीज हो जाने के बाद, ये हमने ये तीन पोर्शन है, वो तीन पोर्शन देख लिए, चलो नॉट, अब देखते हैं रियल में कि आंसर कैसा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं पहले तो सिंपल ले रहा था, ए 1 2 3 4, और कोई बी, पहले तो सेम का लेता है फिर अलग अलग का लेता है, 0 -1 2 एंड 1, ऐसा मैंने लिया। ध्यान से देखना, पहले समझ लो पूरा, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं फा रहा है नहीं फा रहा है, लेकिन आ जाएगा इजिली, तो ध्यान दे रहा पहले। तो पहले तो इसका क्या है बेटा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो पॉसिबल है, हाँ ये दोनों सेम है, पॉसिबल है, ओके पॉसिबल है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि आंसर क्या आएगा बेटा, हाँ 2 क्रॉस 2 आएगा, दैट मींस इसका आंसर 2 क्रॉस 2 आना चाहिए। अब बेटा 2 क्रॉस 2 आ रहा है, ये हमारी स्टार्टिंग की प्रोसेस ऐसी रहेगी, उसके बाद तो हम डायरेक्ट ही करें, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट ही प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग की प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनता है बेटा, तो उसके कितने एलिमेंट होंगे, 4, a11, a12, a21 एंड a22, इतने पॉसिबल एलिमेंट्स है। ओके। अब हम जाते हैं रिस्पेक्टिवली एलिमेंट के पास, ये हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। चलो अब ये ध्यान से देखो, तो हमें a11 है, a11 का एक्चुअली मतलब क्या होता है पता, a11 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का है, सेकंड है वो सेकंड मैट्रिक्स का है, फिर से
A11 लिखा है मतलब फर्स्ट रो है, आपकी बात सही, सेकंड कॉलम है वो भी आपकी बात सही, लेकिन ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और ये फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, सॉरी ये सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, क्योंकि ये पीछे है तो सेकंड मैट्रिक्स, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, लेट्स सी। चलो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो क्या है, ये सेकंड की कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये फिर से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम किसकी, ये सेकंड की और ये फर्स्ट की, फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका रिस्पेक्टिवली आपको प्रोडक्ट करना है, कैसे, 1 × 0 + 2 × 2, वंस मोर अगर ऐसा कोई है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा होगा। अब चलो मैं इसकी बात करूं, A12 की बात करूं, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ऐसा होगा बेटा फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, उसका रिस्पेक्टिव मतलब ये के साथ ये और इसके साथ ये, ऐसा होगा, ठीक है। तो वंस मोर अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, चलो इसके साथ प्रोडक्ट करो, कैसे करेंगे रिस्पेक्टिवली, 1 × -1 + 2 × 1, दैट्स इट, ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, A21, चलो A21 का मतलब क्या है, फर्स्ट की सेकंड रो और सेकंड में फर्स्ट कॉलम, तो ऐसा होगा, तो ये वाला और ये वाला, तो क्या हुआ 3 × 0 + 4 × 2, सिंपल। अब क्या हुआ, A22 मतलब फर्स्ट की सेकंड रो, फर्स्ट में ऑलवेज रो लेनी है और सेकंड में ऑलवेज कॉलम लेनी है, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कैसे होगा, कैसा होगा, तो 3 × -1 + 4 × 1, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कि आपको पता चले, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको ऐसा समझा रहा हूं, बाकी बहुत इजी है, बहुत इजीली आंसर आ जाता है फटाफट, कोई इश्यू नहीं जाता है। चलो अब क्या करना है इसका, ये आंसर आ क्या, सिर्फ एडिशन कर लो, कैसे करोगे, आंसर इज 0 + 4 − 1 + 2 + 1, 3 × 0 = 0, 4 × 8, −3 + 4 बस आंसर, अल्टीमेट आंसर, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा पता चले, ये स्पीड में होगा, सेम टू सेम मैं ले रहा हूँ, 2×2 मैट्रिक्स से ले रहा हूँ अभी, −2 1 3 0 −1 4 2 5, चलो यहाँ पे माइनस, पहले तो ध्यान से देखो 2×2 ही है दोनों, 2×2 2×2, ओके लेट्स गो फॉर इट, क्या होगा मुझे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लिख लो, A11 A12 2 1 and 2 2, प्रॉब्लम हो रही है तो लिख, वरना कोई इश्यू नहीं। चलो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, −2 × 1 + 1 × 2, खत्म बात होगी। A12 फर्स्ट रो कॉलम, रो कॉलम खत्म, आया समझ में क्या कर रहा हूं। चलो 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रिस्पेक्टिव, 3 × 1 + 0 × 2 खत्म। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 4, ये उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो −1, तो आंसर क्या आएगा, −2 + 2 = 0, −8 − 5 − 13, 1 3 × 0 3 12 12 − 0 12, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये दिखने में इतना हार्ड है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो एक और ऐसा ट्राई करते हैं, 3×3 मैट्रिक्स, 1 2 − 1 0 4 3 2 1,
3, 1, 0, 4, -2. अब ये 3x3 है, ये भी 3x3 है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 3x3, a11, a12, a13, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, ठीक है? चलो, अब पहले मैं सारी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है? वरना हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, तो सिंपल क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉलम हम ऑलवेज सेकंड मैट्रिक्स की होगी, रो ऑलवेज फर्स्ट मैट्रिक्स की होगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस -1 × 0, ये हम अभी सब कुछ लिख रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट ही करेंगे बाद में, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। चलो उसके बाद a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 4 प्लस 2 × 0 प्लस -1 × -2, ओके। थर्ड a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब सेकंड रो का रिस्पेक्टिवली फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ, तो 4 × 3 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0, चलो सेकंड का सेकंड के साथ 4 × 4 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × -2, सेकंड का थर्ड के साथ 4 × 5 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 1, ओके। थर्ड का रिस्पेक्टिवली तीन के साथ 3 × 3, 2 × 1, 3 × 0, वंस मोर 3 × 4, 2 × 0 एंड 3 × -2, वंस मोर 3 × 5, 2 × 3 एंड 3 × 1, ठीक है? बस अब सिर्फ आंसर लिखना है और कुछ नहीं। चलो क्या होगा, 3 + 5, 5, 4 + 2, 6, -5, 6, 11 and 10, चलो 12, 0, 12, 16 - 2, 14, 20 and 1, 21, 9 to 11, 12 and -6, 6, 15, 6, 21 and 3, 24, that's the answer, ठीक है? तो ये लग आपको रहा होगा ये हार्ड है, लेकिन ये प्रैक्टिस से हो जाएगा और ये मुंह पे करेगा आपको फास्ट, ठीक है? जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि फास्ट में अगर आपको आंसर लिखना है तो कैसे करेंगे? इसका डायरेक्ट आंसर मैं इसको ए बोल दू, इसको बी बोल दू, तो ए बी, ठीक है? कैसे करेंगे? फास्ट, a21 3 2 and 0 3 and 2, तो 5, फिर दूसरे के साथ 4 0 and +2 मतलब 6, 5 6 5 6, 11 - 1 मतलब 10, खत्म हो गया। दूसरा करो, 4 12 0 0 मतलब 12, 16 0 and -2 मतलब 14, 20 0 and 1 मतलब 21, सिंपल। चलो थर्ड करो, 9 2 11 and 0 11, फिर 12 0 and -6 तो +6, 15 and 6 21 and 3 24, दैट्स आंसर, ठीक है? क्या किया हमने? सिंपल, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग है तो आप ऐसे करो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं हमारा, इसके आप प्रैक्टिस करो, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एग्जांपल के साथ, ठीक है? चलो बाय।